हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम प्राची। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ मैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। स्क्रीन पे क्या देख पा रहे हो? फिंगर चिप्स। लेकिन ये फिंगर चिप्स थोड़े अलग इंग्रेडिएंट के साथ में मैंने बनाए हैं। हालांकि इंग्रेडिएंट एक ही है लेकिन थोड़ा अलग है। आलू के नहीं है, आलू के जैसा ही एक आलू की फैमिली का ही एक और आप बोल सकते हो ना, एक फैमिली मेम्बर है, उससे मैंने ये जो फिंगर चिप्स है ये बनाए हैं। जी हाँ, ये फिंगर चिप्स है स्वीट पोटैटो के, शकरकंद के। बहुत ही इंस्टेंट वाले ये जो फिंगर चिप्स है ये बनते हैं। समय बहुत कम लगता है एंड क्रिस्पी क्रंची उतने ही लगते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा लगते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने पतली साइज़ वाले, मतलब लंबे लंबे वाले, ऐसे मैंने जो है ये स्वीट पोटैटोज ले लिए हैं। इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, दोनों साइड से जो है उनको मैं कट करके अभी उसको छीलना है। छीलना बहुत अच्छे से है आपको यहाँ पे। एंड एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्वीट पोटैटो, शकरकंद जो होते हैं ना, वो जल्दी काले पड़ जाते हैं अगर आप उनका छिलका उतारते हो। तो मेक श्योर आप जब भी इसका छिलका उतारें तो साइड में एक बाउल रखिएगा पानी भर के, उसमें आपको इन्हें जल्दी से डुबो देना है। जस्ट लाइक हमारे नॉर्मल आलू जैसे थोड़े से काले एंड पीले पड़ जाते हैं, वैसे ये जो शकरकंद है ना, स्वीट पोटैटो, ये काले पड़ने लगते हैं। तो देखिए, मैंने एक पानी का बाउल रखा है, उसमें मैं ये सारे जो शकरकंद है इनको छिलका उतार के रख दूँगी। बहुत ही ईजी वाले हैं ये पोटैटो के जो चिप्स हम लोग, चिप्स नहीं, आई एम सॉरी, क्या बना रहे हैं हम लोग, फिंगर चिप्स, फ्रेंच फ्राइज आप इनको बोल सकते हो। दूसरी चीज़, ये जो फ्रेंच फ्राइज है ये उपवास में भी आप खा सकते हो। जैसे अभी नवरात्र स्टार्ट होने वाला है तो नवरात्रि में भी आप इनको जो है इंजॉय कर सकते हो। ये देखिएगा, इस तरीके से लंबे लंबे मैंने इनको कट किया है। जैसे नॉर्मल रेस्टोरेंट्स में मिलते हैं ना फ्रेंच फ्राइज, वैसा कट करना है तो कर सकते हो आप, लेकिन ऐसे भी खा लिए तो अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये थोड़े लंबे वाले एंड टेढ़े मेढ़े आते हैं ना स्वीट पोटैटो, अपने नॉर्मल आलू जैसे नहीं आते। तो वैसा शेप देना थोड़ा डिफिकल्ट है या फिर थोड़ा टाइम टेकिंग है। आप चाहे तो वैसा कर लीजिए या फिर मेरे जैसे आप यहाँ पे, जैसे मैं डायरेक्टली कट कर रही हूँ, वैसा भी आप कर सकते हो। अंत में वो क्रिस्पी ही होने वाला है, टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आता है एंड दिखने में भी अच्छे लगते हैं। तो ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लेना है, सीधे इसको कट करते जाइए एंड पानी में डुबोते रहिए। अभी आपको क्या करना है, इंस्टेंटली इनको बना लेना है, राइट? तो मैंने यहाँ पे एक कपड़ा ले लिया है, एक नैपकिन ले लिया है, ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है वहाँ पे। तो क्या करेंगे, एक जितना आपको डालना है एट ए टाइम, उतना आप जो कटोरी में से निकाल के कपड़े पे रख दीजिए, हल्का सा उसे पैट ड्राई कर लीजिए एंड बस अभी उनको डीप फ्राई करने के लिए आप छोड़ दीजिए। पानी में से सीधा अगर आप ऑयल में डालेंगे तो बहुत छींटे उड़ती है, राइट? वैसा ना हो इसके लिए ये छोटा सा एक स्टेप है जो आप फॉलो करेंगे तो अच्छा ही है। ये जो फिंगर फ्राइज है ये आपको मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही फ्राई करने हैं, उससे काफ़ी अच्छे बनते हैं। अगर आपको नॉर्मल जैसे येलो कलर वाले आते हैं वैसे वाले पसंद है तो वो आप निकाल लीजिए थोड़े टाइम से। ये देखिए, अभी जो है ना काफ़ी हद तक ये येलो हो चुके हैं। यहाँ पे भी ये फ्राइज जो है ये क्रंची बन चुके हैं ऑलरेडी, राइट? तो यहाँ पे भी आप इनको निकाल सकते हो, लगभग 3-4 मिनट में ये क्रंची बन जाते हैं, ऐसा कलर आ जाता है। और 1 मिनट अगर आप इनको फ्राई करेंगे तो थोड़े से ब्राउन कलर के ये बन जाते हैं, जस्ट लाइक अभी जैसे बने हैं वैसे। मैंने इस तरीके के बनाए हैं, थोड़े ब्राउन, क्रंच में कोई फ़र्क नहीं आता है, जैसे पहले क्रंची थे वैसे ही क्रंची है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस इतना है कि पहले का कलर थोड़ा अलग था एंड इसका कलर जो है थोड़ा सा अलग है। तो बस वही एक डिफरेंस है, बाकी कोई भी मेजर डिफरेंस नहीं आता है। इंस्टेंटली बन जाते हैं ये फ्राइज, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, उपवास में वगैरह भी आप इनको जो है इंजॉय कर सकते हो। तो इस हिसाब से मैंने ये रेसिपी सोचा आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूँ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बीच बीच में अगर आपको मेरी बेबी की आवाज़ आ रही है, तो वॉइस ओवर करते समय भी उसका कुछ ना कुछ चलता रहता है, उसको ये चाहिए वो चाहिए, तो उसका भी मुझे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो आई होप आप लोग समझ लेंगे इस चीज़ को। तो यहाँ पे जो है सारे फ्राइज़ को आपको अच्छे से कट करके पानी में डुबो दीजिए एंड बस फ्राई करते टाइम पे थोड़ा सा कपड़े से पोंछ लीजिए एंड आपके फ्राइज़ जो है बन के तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे जो है मेरा तो ऐसा कोई नहीं है कि मुझे फास्ट के लिए ही खाने हैं, तो अगर आपका ऐसा कुछ है कि आपको फास्ट में ही खाने हैं तो नमक एंड जो रेड चिल्ली पाउडर है उसके साथ में आप इनको थोड़ा सा उसमें घुला के आप उनको खा सकते हो। अगर आपका ऐसा नहीं है फास्ट में खाने जैसा, तो आप चाट मसाला वगैरह भी इसके ऊपर डाल सकते हो, बहुत अच्छा लगता है।
मैंने यहाँ पे ये फास्ट के लिए दिखाया है, तो मैं अभी के लिए सिर्फ उस पर नमक एंड थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर जो है वो स्प्रिंकल कर रही हूँ। एंड आपको क्या करना है ना, ऐसी थाली में उसको जब आप स्प्रिंकल करोगे उसके बाद में इस तरीके से डब्बे में या कहीं पे भी आप रख लो, तो आपको जो है ना उसे हिलाना है ताकि सारी जो आपकी फ्राइज है ना उसको ये जो नमक एंड जो रेड चिल्ली है वो लगनी चाहिए। आप आवाज़ देखिए, लग रहे हैं कि नहीं बहुत क्रिस्पी, आवाज़ से ही आपको पता चल गया होगा। बहुत ही टेस्टी बनते हैं एंड हमारी नॉर्मल आलू के जो फिंगर चिप्स होते हैं ना उनको क्रंची बनाने के लिए, एक्चुअली उनको बनाने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। ये वाले बहुत ही इंस्टेंट है एंड बहुत बढ़िया लगते हैं, उपवास में भी आप इन्हें खा सकते हो। अभी शकरकंद का सीज़न है ही, तो बहुत सारी अलग अलग रेसिपीज़ तो वैसे भी मैं शेयर करूँगी, लेकिन सोचा ये इंस्टेंट रेसिपी है, सबसे कम समय लेती है, तो ये रेसिपी मैंने पहले आपके साथ में शेयर की। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेशन है, प्लीज़ ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। एंड अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ये देखिए, खाके भी मैंने आपको दिखाया, बहुत ही क्रंची बनती है। ये जो फिंगर चिप्स है ना, ये आप एक घंटा भी ऐसे रखेंगे ना तो भी ये क्रंची ही लगते हैं। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइज़।